Good morning, class 7th. This is your maths period. So take out your maths book, your register, and your stationery. So we were doing exercise 3.3, and we had done till question number 5 in the previous class. So today we will start from question number 6. Okay, so open your books on page number 54. Take out your register. Write down today's date. 11th August. Today is 11th August 2021. And the day is Wednesday. So let's start with question number 6. So question number 6 is the total weight of certain bags of rice is 650.16 kg. Okay, if each bag weights weighs 10.32 kg, find the number of bags. Okay, so hame kya given hai, हमें बता रखा है कि कुछ बैग्स हैं राइस के जिनका टोटल वेट कितना है 650.16 kg, और हमें बता रखा है कि अगर एक बैग का वेट 10.32 kg है तो हमें नंबर्स ऑफ बैग्स बताने कि टोटल कितने बैग्स हैं. ओके, सो 10.32 kg ऑफ राइस, ये कितने बैग यूज हो रहे हैं 10.32 kg राइस के लिए, 1. ओके, सो नंबर ऑफ बैग्स फॉर 650.16 kg ऑफ राइस, कितने बैग्स सही होंगे, कितने बैग्स होंगे टोटल इतने राइस के अगर 10.32 kg एक बैग में आ रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम. 650.16 divided by 10.32. Okay, so here we have to do the division of a decimal number by another decimal number. So how will we do it? 650.16 upon 10.32. So we will multiply by 10 100 or 1000 to make it a whole number. Okay, the denominator and the numerator will be divided. So yahan par hum 100 se karenge, kyunki agar hum isko 100 se karenge to ye do places shift ho jayega left ki taraf, and this also we will multiply by 100. So now this will be 1032, and this also, abhi dono hamare whole numbers ban chuke hain. ओके, नाउ सिंपली वी विल डिवाइड दिस. सो 65016 डिवाइडेड बाय 1032. ओके, नाउ लेट्स चेक विथ 5. 5 2 इज 10, 5 3 इज 15, +1 16, 5 1 5. एक और नंबर से चेक करके देखते हैं, लेट्स चेक विथ 6. 6 2 इज 12, 6 3 इज 18, +1 19, 1 6 1 इज 6. ओके, सो हम इसको 6 से करते हैं डिवाइड. सो 6 1 9 2. नाउ वी विल सबट्रैक्ट दिस. 11 -2 इज 9, 9 -9 इज 0, 5 minus 4 or 5 minus 1 is 4.
नाउ 6, ओके। सो अब हम 5, अगर हम 1032 को 5 से मल्टीप्लाई करे थे तो वी गॉट दिस 5160। सो एक नंबर कम से करके देखते हैं, 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 4 वन ज़ा 4। सो वी हैव 4128। लेट्स चेक विथ वन मोर नंबर, 1032 इंटू 3, 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9, 3 ज़ीरो ज़ीरो एंड 3 वन ज़ा 3। ओके, 3 वन ज़ा 3। सो दिस विल 3096, 6 माइनस 6 इज 0। ओके, सो यू हैव टू डिवाइड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। इतना हो गया है, अब बस थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, वो आप होमवर्क में करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज द कॉस्ट ऑफ, वेट, क्वेश्चन नंबर सेवन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज 32.396। इफ वन ऑफ द डेसिमल्स is 5.2, find the other. Okay, so we have done questions similar to this. हमने ऐसे questions पहले भी करे हैं जिसमें हमें दो numbers given थे, दो numbers का product given था and उसमें से एक number हमें given था, दूसरा हमें find करना था। तो same we have to do in this also, okay? So what is the product? The product is 32.396 and हमारे पास एक नंबर नहीं है, एक नंबर है 5.2। सो हम क्या करते थे, दूसरा नंबर निकालने के लिए वी यूज टू डिवाइड दिस। ओके, सो हम इसको डिवाइड करेंगे, बट डिवाइड करने से पहले हम क्या करेंगे, सो वी विल डिवाइड दिस एंड बिफोर डिवाइडिंग दिस वॉट विल वी डू, हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन को, सॉरी डिवाइजर को। सो 32.396 अपॉन 5.2, सो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर बनाने के लिए। सो इट इज़ 52 अपॉन 3.2396। ओके, वेट, दिस विल बी 323.96। ओके, 323.96। नाउ वी विल डिवाइड दिस 323.96। सो लेट्स डू 52 into 5, 5 2 is 10, 5 5 is 25 प्लस 1 26, 20, एक बार 6 से भी करके देखते हैं, 6 2 is 12, 6 5 is 30, 30 plus 1 31। सो 52 6 3 1 2, 3 minus 2 is 1 एंड 2 minus 1 is 1, सो डेसिमल की प्लेस पर ही आएगा, देन 9। 52 into 2, 2 2 is 4, 2 5 is 10, so 2 1 0 4, 9 minus 4 is 5, 1 minus 0 is 1. Now we have 156. Let's check it by 3 3 2 is 6 and 3 5 is 15, सो ये हमारे यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 52 3 ज़ा 156। सो दिस मीन्स द सेकेंड नंबर इज द अदर नंबर इज
6.23. ओके, तो हमारा नेक्स्ट अदर नंबर कौन सा है? 6.23. अंडरस्टूड? सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. द कॉस्ट ऑफ वन डजन ऑफ एप्पल्स इज रुपीज 256.20. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन एप्पल. सो कॉस्ट ऑफ वन डजन एप्पल, सबसे पहले वन डजन इज इक्वल्स टू 12. सो 12 वन डजन मतलब 12 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल्स इज रुपीज 256.20. सो कॉस्ट ऑफ वन एप्पल कितनी होगी? 256.20 डिवाइडेड बाय 12. ओके, इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे. 256.20 डिवाइडेड बाय 12. ओके, सो वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ वन एप्पल. ओके क्लास, यू हैव टू डू दिस इन योर होमवर्क. ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है एंड यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो. ओके ओके, डू योर वर्क, कंप्लीट योर होमवर्क एंड सेंड मी इट बिफोर 2 PM थ्रू व्हाट्सएप. ओके क्लास, टेक केयर, बाय बाय.